वेलकम बैक टू माई चैनल और आप देख रहे हैं मैं सिर्फ मॉम ब्यूटी शालू आई मीन हमारा चैनल। क्या आप ही मेरे सब्सक्राइबर हो और आप ही देखते हो तो ये चैनल आपका भी हुआ। मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ कि आपसे हर बात शेयर करने अच्छी लगती है और आज जो है वो है आज का व्लॉग जो है वो है आरव का बर्थडे। और देखिए ये आरव आपको पता है ना ये आज आरव का बर्थडे है ना 17 अगस्त को ये आया था यहाँ पर। थी कि आज आरव का बर्थडे है तो मैंने उसका ब्लॉग शूट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आपको थोड़ी सी चुपके चुपके लग रही हूँ क्योंकि मैं अभी ना के आई हूँ, थोड़ा खाना खाया है और बस ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया मैंने। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या किया और कैसे हमने आपका आरव का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप मेरे साथ पूरे दिन तक बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आरव के लिए क्या क्या खरीदा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, रुकिए। तो आप देख सकते हैं ये है आरव के कपड़े। दिखाओ ना, ऐसे पकड़ के दिखाओ। अभी दिखाना है इसको, तो बैलून दिखाना है आपको। ये गाइस इसकी टी शर्ट लाई थी मैं जो ये शाम को पहनेगा और एक लाई थी आरव जो दिखाओ खड़े तो हो। एक ये ड्रेस लाई थी मैं आरव की, अच्छी लगी है ना। कच्चा बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स। ऐसे स्टाइल करके दिखाओ एक बार, स्टाइल करके दिखाओ एक बार, स्टाइल करो। और ये है इसकी पैंट, और ये इसकी पैंट है जो ये शाम को पहनने वाला है। और ये है कुछ पेन जो ये बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देगा, है ना बाबू, रिटर्न गिफ्ट के लिए। और ये कैप है, एक ये यशिका के लिए है जो कि मेरी दौरानी की बेटी है, और एक ये आरव के लिए है। और ये एक सिंपल सी कैंडल मैं लाई हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ देखी थी सदर में, बट मैं अगली बार तो जरूर लाऊंगी, बट मैं सिंपल सी ही कैंडल लाई हूँ ये वाली। 4 इयर्स का आरव हो गया है अब। और ये बैलून लाए हैं, और दिखाओ और दिखाओ, ये भी बैलून है। और ये हैप्पी बर्थडे का बैनर है, और ये एक बड़ा वाला बैलून होता है जो कि, और ये भी है, और ये तो ये सब कुछ दिखा रहा है, और ये कटोरी भी है बस। और अभी तो यही लाए हैं और अभी मैं थोड़ा खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चावल, खीर और छोले और दम आलू। तो आपको मैं दिखा तो सकती नहीं हूँ शायद, क्योंकि थोड़ा बिजी हो जाऊंगी कि मैं कैसे शूट करूंगी और कैसे बनाऊंगी। तो मैं आपको जो पूरा बन जाएगा तभी दिखाऊंगी। और देखिए ये बैलून आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे और मेरे देवर है ये। और अभी बहुत सारे फुलाने हैं तो उनके मुंह भी दुख जाते हैं फुलाते फुलाते, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें 4 फ्लोर पे लगाने होते हैं तो बहुत सारे चाहिए होते हैं फिर, तो इसीलिए देखिए आप ये कुछ उन्होंने फुला लिए हैं, कुछ फुला रहे हैं। सुनो देख बच्चों को ये गुस्सा हो गया है, मैं सब कहेंगे आ ये तो अपनी बहन को मारता है, गंदा लड़का है ये। अच्छा चश्मा लगा ले बच्चा। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने खाना बनाया, और मैंने कुछ नहीं चावल बनाए हैं। और देखिए आप चावल अच्छे लग रहे हैं ना, और ये चावल बनाए हैं क्योंकि आज मैंने सबके लिए खाना बनाया। तो और मैंने ये खीर बनाई है जैसे कि आप देख सकते हैं, खीर, ढक्कन खोलो ढक्कन खोलो जल्दी से खीर। और ये मैंने खीर बनाई है
जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बट भोग लगाए बिना हम अभी खा नहीं सकते, तो मैं आपको उसका टेस्ट नहीं बता सकती कैसी है। और ये है दम आलू, जो कि देखने में, और मैं बनाती रहती हूँ, और किसी दिन आपको मैं पूरी रेसिपी दम आलू की दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। और मेरे को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आ रहा था मेरे। और ये छोले हैं, और छोले भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बट पता नहीं अभी तो खा के देखा नहीं है। वो अपनी पसंद का केक लाया है स्पाइडरमैन का, क्योंकि उसे एवेंजर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब वो केक कट करेगा। और आ रहा 4 ईयर्स का हो गया, 4 ईयर्स का। तो वैसे तो उसका जन्मदिन जन्माष्टमी पे आता है, क्योंकि वो जिस दिन, अलग अलग दिन होते रहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, और जन्माष्टमी वाले दिन वो पैदा हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि समझ लो कि डबल खुशी थी, एक जन्माष्टमी की थी और एक अपने बेटे के आने की थी। तो ये कभी इधर उधर हो जाता है, जन्माष्टमी पहले आ जाती है, कभी इसका बर्थडे बाद में आ जाता है। तो आज पहले ऐसा ही हुआ है कि पहले इसका बर्थडे आ गया, जन्माष्टमी बाद में है, और अब हम सब मिलकर केक काटें। पार्टी जब तक फटे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे, और ये आरब को कुछ गिफ्ट मिले हैं जो उसकी चाची ने दिए हैं, उसकी दादी ने, और मैंने, उसके पापा ने। और आप देख सकते हैं ये क्लोथिंग आइटम मिले हैं, थोड़े से उसे कपड़े मिले हैं, और थोड़े से टॉयज़ मिले थे, जो कि मैंने अभी टॉयज़ खोले नहीं हैं इसके। और ये एक टॉयज़ है जो कि उसके मामा ने दिया है, और आप देख सकते हैं। और ये बहुत देर से मुझे बोले जा रहा था कि मेरे गिफ्ट खोल लो, गिफ्ट खोल लो मम्मी, तो मैंने खोले हैं। और यही था मेरा व्लॉग आज का, जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप मेरे बर्थडे के मेरे बेटे के बर्थडे में शामिल हुए, उसके लिए बहुत सा थैंक यू। और आप भी मेरे बेटे को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग, जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे और एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।